नेता है श्याम जाजू जी, ब्रीचे के मोहताज नहीं है, झज्जर की ऐतिहासिक धरती पर पधारे हैं यहाँ इस दंगल में पहलवानों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए सीधे बात करते हैं, श्याम जी कैसा लगा आपको दंगल? कुश्ती और दंगल या हरियाणा का वैभव है, भारत की पुरानी परंपरा है, भारत की पुरानी विरासत है। ऐसी परंपरा को निभाना, निर्वहन करना और यशस्वी रीत्या इस प्रकार के दंगल आयोजित करना ये अपने आप में बड़ा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों ने ओलंपिक में मेडल लाने चाहिए, ऐसी बातें करके केवल नहीं होता, इस प्रकार के उपक्रमों से उसको बढ़ावा मिलता जी। और झज्जर को खेल नर्सरी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी है, योगेश्वर दत्त है, बजरंग पुनिया है, आज इस युवा आपकी पार्टी के इस कार्यकर्ता ने एक ऐतिहासिक दंगल कराया, लाखों रुपए इनाम दिया है, क्या शुभकामना है, क्या संदेश? निश्चित रूप से उन्होंने अपने अनुकरण से इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये कला उनको बढ़ावा देना। मोदी जी जो कहते हैं कि सबका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, सबका योगदान चाहिए, सरकार का प्रोत्साहन तो जरूर मिलेगा पर इस प्रकार के उपक्रम को बढ़ावा देना जी। और निश्चित तौर से आज झज्जर की धरती से एक इतिहास लिखने का कार्य किया गया है, यहाँ ऐतिहासिक दंगल के माध्यम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया है।